मैम मुकुल अग्रवाल, आज आपके लिए 11 क्लास का बाइनोमियल चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था उसका पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ एनसीईआरटी का, जहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखा है, 1 - 2x की पावर 5 लिखा है, है ना। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और b की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होगी, -2x होगी, है ना। तो अब देखो प्यारे बच्चों इसके लिए बाइनोमियल यूज़ लगाएंगे, तो बाइनोमियल में क्या है, n की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5c0 1 की पावर 5 और -2x की पावर 0। मैंने बताया था एक पावर कम होगी एक पावर बढ़ेगी, फिर n यानी यहाँ पे आ जाएगा 5c1 1 की पावर 4 -2x की पावर 1, है ना। फिर 5c2 1 की पावर 3 -2x की पावर 2, फिर 5c3 1 की पावर 2 -2x की पावर 3 प्लस 5c4 1 की पावर 1 -2x की पावर 4 और लास्ट 5c5 1 की पावर 0 और -2x की पावर 5। तो प्यारे बच्चों मैंने इस तरीके से बाइनोमियल को ओपन कर दिया। अब देखो मैंने आपको बताया था पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू हमेशा 1 होगी और ये वाली वैल्यू 5 होगी, है ना, 1 होगी, मतलब जो लिखा हुआ है वही, यानी NC1 कितना होगा, N होगा, NCN कितना होगा, 1 होगा, NC0 कितना होगा बच्चों, 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ाई गई थी, ये चीज़ आपने कर ली होगी। तो देखिए इसको लिखेंगे 1, 1 की पावर 5 है तो 1 ही आ जाएगा, जिसकी पावर 0 है प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। 5C1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा और -2x, क्लियर। अब आपको सॉल्व करना है 5C2, तो 5C2 के लिए प्यारे बच्चों आप लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी 5 - 2 = 3 हो गया, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल और 3 × 2 फैक्टोरियल, तो 3 से 3 कट गया, 2 फैक्टोरियल से ये कट गया, तो 5 × 2 = 10 आ गया, 1 की पावर 1 आ गई और ये कितना हो गया, 4x² हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, 5c3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इसको, कहाँ पर लिखें, यहाँ लिख लेते हैं 5 का फैक्टोरियल 5 - 3 यानी 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख लेंगे आप, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, यानी फिर से 10 आ जाएगा, तो 10, 1 का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -8x³, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, 5c4, तो इसे लिख लेते हैं 5 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, यानी 5 आ जाएगा, ठीक है, और 1 की पावर 1 है और 2 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, 16x की पावर 4, क्लियर। ये बच्चों कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा और 2 की पावर 5 है तो यानी -32x की पावर 5, क्लियर। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब देखो कितना बच्चा, 1 बन जा 1 ही रह गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 5 × 2 = 10x और बाहर माइनस, फिर 10 × 4 = 40x की पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा, 10 × 8 = 80 माइनस का 80x³, फिर प्लस 16 × 5 = 80x³ प्लस माइनस 32 × 1 = 32x³, क्लियर। तो क्या बच गया, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 40x² प्लस माइनस माइनस 80x³ प्लस 80x⁴ माइनस 32x⁵। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्या होगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो जितना आप इस न्यूमेरिकल को कीजिए और होगा, अगली वीडियो में हम लोग एक नया न्यूमेरिकल NCERT का लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ।